और बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले डीवीएस फैक्ट देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आपको सुपर सैयन ब्लू के बारे में बता दूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, हो सकता है आपको कुछ कमाल की नॉलेज भी मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। अगर ऐसा होता है तो लाइक कर दें। और मैंने YouTube वालों से कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि आपके चैनल का सब्सक्राइब फ्री है, तो उसको भी कर लें। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ सुपर सैयन ब्लू के ट्रांसफॉर्मेशन की, कि नॉर्मल सैयन सुपर सैयन ब्लू को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल सैयन सुपर सैयन ब्लू को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, जब तक उसे कोई देवता या कोई गॉड या कोई एंजल इसको ट्रेनिंग ना दे, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है। उसकी जो एनर्जी है, की है, वो गॉड की है, और गॉड की तभी मिलेगी जब आप गॉड से ट्रेनिंग लोगे या एंजल से ट्रेनिंग लोगे। एंजल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनर एंजल ही होती है। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे फैक्ट की, कि जितने भी लोग जानते हैं कि सुपर सैयन ब्लू एक गॉड फॉर्मेशन है, तो वो सही जानते हैं, लेकिन अधूरा सच है। सुपर सैयन ब्लू एक गॉड फॉर्मेशन है, लेकिन ट्रू गॉड फॉर्मेशन नहीं है। मांगा के मुताबिक इससे भी ऊपर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है, सुपर सैयन ब्लू प्योर गॉड फॉर्मेशन, जो कि सुपर सैयन रेड और सुपर सैयन ब्लू से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो अब मेरी थ्योरी ये है कि वेजिटा और गोकू को सुपर सैयन ब्लू का प्योर गॉड ट्रांसफॉर्मर तभी मिलेगा जब वो सुपर सैयन ब्लू का लिमिट ब्रेक कर देंगे और नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको सुपर सैयन ब्लू का प्योर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। हो सकते हैं बहुत से लोग को ये बात बकवास लग रही हो, लेकिन मैंने इस बात को कन्फर्म करने के लिए विक्सर से भी कॉन्टेक्ट किया है और उसको भी ऐसा ही लगता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हो सकता है सुपर सैयन ब्लू 2। अब बहुत से लोगों का मानना है कि सुपर सैयन ब्लू बिल्कुल फुल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आपका मानना बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्योर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसका ऑफिशियल रिलीज भी आया है। सुपर सैयन ब्लू की पावर को ऐसा दिखाया जा रहा है कि पावर दैट राइवल्स आर गॉड, मतलब वो पावर जो गॉड को टक्कर दे सके और गॉड के खिलाफ जा सके, बट ये गॉड को डिफीट करने लायक बिल्कुल नहीं है। जब तक सुपर सैयन ब्लू प्योर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाएगा, वो गॉड को डिफीट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जो सुपर सैयन ब्लू के बारे में और जानना चाहते हैं या और जानते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने उसको बताया जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जरूर आए कि सुपर सैयन ब्लू या सुपर सैयन रेड कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो भाई मैं अभी यही कहूँगा कि मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता जब तक मुझे पूरी नॉलेज ना हो। और इसको प्रूव करने के लिए मैं सुपर सैयन रेड के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, और जिससे आपको सुपर सैयन रेड और सुपर सैयन ब्लू की ऑलमोस्ट फुल नॉलेज मिल जाए, जिससे आप कंपेयर कर सकें कौन सा बेटर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि सुपर सैयन ब्लू का मैंने अभी बना दिया, आप सुपर सैयन रेड का मैं अगला बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप उसमें कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।